इंस्टाग्राम से शादी किए थे हम पटाकर लड़की से, और वो रियलिटी में लड़की नहीं था, वो साला लड़का के भेष में लड़की का आवाज निकाल रहा था, और वो हमको चुतिया बना के शादी करवा दिया हमसे। हम मंदिर में शादी कर लिए, और मेरा बाप मुखिया जी थे, जो मुखिया जी अभी वहाँ है। क्या चीज करते हैं आप? भोजपुरी कॉमेडी बनाते हैं हम लोग। भोजपुरी में कॉमेडी बनाते हैं, किस टाइप का? काफी एक वायरल चल रहा था ये वाला, जो मेरा एक नाव था जो मेरा बाल छिल रहा था, तो बोले छीलो छीलो तार बाबू जिंदगी भर छीलते आगुले, तू छीलत जाता रहो, कुछ दिन में तार बाल बचा हुई वो छीली, ये कब तक छीला छीलो बोल चली। तब अच्छा। नाई बोलता है जो बार छीलता है हमको कि साले ज्यादा बोलबो तो छिलबो ना करो। अच्छा, मतलब आपके कॉमेडी में बहुत सारे डायलॉग भी रहता है भरा हुआ। हाँ है। अच्छा, पब्लिक का कैसा प्यार मिल रहा है कॉमेडी देखकर? बहुत अच्छा मिल रहा है, तब तो यहाँ पर आज है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है? हाँ, बहुत ज्यादा मिलता है। इससे पहले मिलता था कि नहीं? अब मान लीजिए काम करेंगे तभी तो मिलेगा ना, अब काम कर रहे हैं मिल रहा है धीमे धीमे, आशीर्वाद एक बार थोड़ी किसी को मिलता है। कितने सालों से आप कॉमेडी बना रहे हैं आप? डेढ़ साल से। कब वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया? यही लगभग 2-3 महीना से। हाँ, काफी स्ट्रगल किए हम लोग भी, ऐसा बात थोड़ी है कि सूत उठ के वायरल हो गया। मतलब पूरा टीम के साथ अभी पटना आए हुए हैं? हाँ, घूमने आए थे पटना। आए घूमने आए थे? आप भी काम करते हैं? जी करते हैं। क्या कैरेक्टर उसमें रहता है आपका? हमारा रहता है कभी सरपंच का भी। अच्छा, और लड़की का भी रोल हम करते हैं। लड़की का भी रोल ले लेते हैं? हाँ। अच्छा, और ऐसा सरपंच बाबू लड़की भी बन जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बात है तो कभी कभी सिचुएशन देख कर भी चलना पड़ेगा ना। अच्छा, तो जैसा जानता मर के थी प्यार देगा वैसा करना पड़ता है। मतलब जनता को खुश करने के लिए लड़की भी बनना पड़े तो लड़की भी बन सकते हैं? बन जाएगी। शर्म लगता है आपको जब लड़की बनते हैं? नहीं नहीं, हमको नहीं लगता है, जो मेहनत करके कमा सकता है कुछ को मन के शर्म क्या लगेगा भाई जी, अपनी मेहनत करते हैं ना, तो क्या शर्म, शर्म नाम की क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। जब आप साड़ी पहनते होंगे तो गांव समाज के लोग क्या बोलता है उस टाइम? अभी तो सब कुछ बोलता है कि ये कुछ किया करेगा, माने कि ये सब गंदा बात कर रहे हैं, सब भी ताना मारते हैं, बाकी उसको हम बात के वैल्यू नहीं करते हैं, अपने काम में बस लगे जाते ड्रीम पर बस, मतलब फोकस कर रहे हैं बस, गलत नेगेटिव कमेंट पर फोकस नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हम अपने काम में बस अपने काम के फोकस करते हैं, किसी के बात के फोकस नहीं करते हैं। आप आगे बढ़िएगा ना तो दूसरा आपको पैर खींचने वाला साला 10-15 को तैयार होगा, तो आगे तू क्या बढ़ रहा है तू मत जा, लेकिन हम लोग बात के फोकस नहीं करते हैं, अपने काम के फोकस करते हैं बस। ये तो सरपंच जी का मतलब कैरेक्टर निभाते हैं, आप क्या चीज का निभाते हैं? हम कॉमेडी रहता है, मतलब पूरा कॉमेडी का हीरो आप ही है क्या? हाँ। अच्छा, बाकी और टीम के मेंबर है, आप क्या करते हैं? मैं भी इनके साथ काम करता हूँ, दिल से करता हूँ, लगन से करता हूँ, जो मेरा काम का प्रपोज मिलता है उस पर मैं काम पर अपना फोकस करता हूँ। मतलब जो कैरेक्टर मिलता है वो मतलब आप कर लेते हैं? कर लेते हैं। अच्छा। और एक मेरा लड़की का भी मिला था लीडू छा खेलने के लिए, तो उसमें मेरा वॉयस मतलब लड़की का बोलना पड़ा था, तो मेरा डायलॉग है, मैं बोला था अभी मेरा पति जी बैगन का खेती किए हैं, मैं उनको खाना पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा से मेरा हम जो मेरा हमको रोल मिलता है वो सब मैं पास निकाल दे सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरा जो प्रोसेस बनता है एक्टिव रहता है। मतलब आप लड़की का भी वॉइस निकाल लेते हैं इसमें? और मेरा टीम मतलब बहुत सारा कॉमेडी आ रहा है, फिर प्रोसेस जारी है, और हम लोग लगन दिल से मेहनत करते हैं, और आने वाला समय में भैया लोग का सारा प्यार मिलता रहेगा, इसके लिए मैं अभी तक आपका कौन सा कॉमेडी सबसे ज्यादा मतलब वायरल हुआ है? यही वाला जो नाई बाल छिर रहा है, 1998 के पढ़ाई। अच्छा, कॉमेडी का 1998 का पढ़ाई। जो मास्टर थे उस टाइम पर बड़ा बड़ा बाल रखते थे ना, तो मास्टर जो होते थे बहुत गुस्सा होते थे और बहुत मार मारते थे, तो मम्मी से हम जाके पैसा मांग के जो 5 रुपए दी थी तो 3 रुपए का बाल छिलवा दिए, 2 रुपए का चॉकलेट खा लिए। अच्छा। हाँ, जो एक डायलॉग था जो ये मास्टर थे वही जो पढ़ाई वाला में बिहार टॉप कॉमेडी जो हम टॉप हुए थे उसी में ये मेरे मास्टर थे, तो बोले कि कार बबुआ कितना नंबर आई था, उन्होंने 100 जी अभी के तो 499 नंबर आई है सर जी, लेकिन साला गौर पोछा विषय में 99 में 95 नंबर आ गुल, वही में एक नंबर कम हो गुल, नाज आज साला 500 पूरे पूरी नंबर ले आई रहती। ये कौन सा विषय बोले अभी? गौर पोछा विषय मतलब गणित। अच्छा, गणित को मतलब उस मतलब आपको समझ में नहीं आता है क्या? गणित आता है तो कॉमेडी हम किए है उस कॉमेडी किए।
बाकी देखिए मतलब ये बिहार के रहने वाले सभी कॉमेडियन अभी एकदम हीरो लग रहे हैं, लड़की बनते हैं, तो क्या सच में लड़की वाला फीलिंग आता है कि ना उस टाइम? नहीं आता तो नहीं है, मगर निभाना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ। शादी ब्याह हो गया आपका? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, कब करिएगा? अभी नहीं करेंगे, अभी सपना कोई दूसरा है, सपना दूसरा है। अभी तो क्या शादी करके भाई फंसेंगे। अच्छा। अभी शादी उदी नहीं करेंगे। अपना कॉमेडी में हीरोइन उन्हें रखे हुए कि नहीं? अभी रखेंगे, थोड़ा अभी काम चल रहा है, अभी रखेंगे। कोई लड़की अभी एक आध दो बोल रही हमको भी रखो, मगर अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। कॉमेडी बनाते तो अभी पैसा वैसा आता है कि नहीं आपका? नहीं अभी नहीं आता, पैसा नहीं आता। तो देखिए पैसा के मजबूरी के कारण ये भैया को लड़की बना देते हैं, यही बात है ना? बनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो देखिए मतलब बिहार के रहने वाले हैं और ऐसा कॉमेडी बनाते हैं कि किसी भी चेहरे पर मतलब मुस्कान आ जाता है, और अपना देसी अंदाज में कॉमेडी बनाते हैं ये लोग। और ये है जी लड़की का आवाज निकालते रहते हैं। देखिए हम लोग लड़की का आवाज कहने का मतलब है कि हम लोग लड़की का आवाज होता है, लेकिन टाइम टाइम से होता है, हर समय एक लेकर नहीं होता है, इसकी वजह से हर समय मिलाकर चलना पड़ता है। मगर इसी अंदाज में मतलब बनाते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करिए। किस नाम से आप चैनल खुले हुए? विष्णु टीम कॉमेडी। विष्णु टीम कॉमेडी। हाँ। तो जाइए एक बार देखिए कैसा कॉमेडी बनाते एक, हैं। एक वीडियो था अभी जो वो भी काफी मस्त रिस्पांस उस पर मिला, जो बताते हैं इंस्टाग्राम से शादी किए थे हम पटाकर लड़की से, और वो रियलिटी में लड़की नहीं था, वो साला लड़का के भेष में लड़की का आवाज निकाल रहा था, और वो हमको चुतिया बना के शादी करवा दिया हमसे। हम मंदिर में शादी कर लिए, और मेरा बाप मुखिया जी थे, जो मुखिया जी अभी वहाँ पर है, उनका थोड़ा गला खराब हो गया है, तो मुखिया जी बने थे, मेरा बाबू थे, और ये ही थे सरपंच जी। अच्छा। और ये तो गांव के मतलब दूसरा जगह का थे, मतलब गाँववासी थे, तो सरपंच जी बोलते हैं मुखिया जी से कि मुखिया जी और बेटा तो भोर गांव में नाक कटवा दे लोस। तो हम कहे नहीं सुना न साले सरपंच तहार में रुआ छत पर जंगिया पसार ले, कोई गुर्देल से मार के फाड़ दे, बस खरीदते रह जीबो। और काफी मस्त इस पर रिस्पांस मिला था, ये भी अच्छा चला था आपका। हाँ बहुत अच्छा। बाकी ये कॉमेडी देखना चाहते हैं तो जाइए विष्णु टीम कॉमेडी पर जाकर देख सकते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के मतलब बड़ा कॉमेडियन बनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग कॉमेडियन ही बनना चाहते हैं। बाकी दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? दर्शक से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी भैया और जो भी हैं मतलब सपोर्ट करिए, और हम लोग का भी सपोर्ट आप लोग कीजिए, छोटा भाई समझ के इसके हौसला बढ़े तब ना भैया आगे में हम भी आगे जाएंगे, तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और पब्लिक को हंसाएंगे, और हम लोग को भी हंसाइए लाइक सब्सक्राइब कर, तब तो हम लोग भी आपको हंसाएंगे। बाकी इनके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।